दोस्तों मेरा नाम सी रंगो है, आप देख रहे हैं बी आर साउंड। दोस्तों आज के वीडियो SLV BL7 का रिव्यू वीडियो है, चलो खोल के देखते हैं। दोस्तों इसका क्लोज लुक देख लेते हैं। ये इसका क्लोज लुक है, ये फ्रंट पैनल में SLV का लोगो है और मॉडल नंबर BL7 है। और ये इसमें नीचे लिखा हुआ है प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर। और इसका नॉब बाकी एम्पलीफायर से इसका नॉब अलग दिया हुआ है, इसका थ्रेड टाइप का है। और इसका भी ठीक ठाक है, चलेगा, अच्छा है, बिल्कुल मिला के सेम उसका ये। लेकिन इसका रेडी सिग्नल -20 -10 क्लिप तक ठीक, लेकिन ये बाकी कमरे में बाकी एम्पली में ये देखने को नहीं मिलता थर्मल। दोस्तों इसका फ्रंट पैनल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, DC बसा में कहा जाए तो ये कहीं भी उठाओ पटक करो कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे हिसाब से बहुत मोटा दिया हुआ है आगे फ्रंट पैनल का, बहुत मोटा, ये छोटे डीजे वाले के लिए सबसे सही रहेगा। और इसका बैक पैनल देख लेते हैं, इसका बैक पैनल, इसका बैक पैनल में क्या क्या दे रखा है। इसका बैक पैनल में लिखा है ये उल्टा तो नहीं, हाँ सही है, ये फ्यूज़ है फ्यूज़ के लिए। और ये चैनल इन का है, चैनल ए का और चैनल बी का इन। और ये लिंक के लिए है, आउट के लिए, दूसरा एम्पली के लिए। और ये दे रखा है सेंसिटिविटी आप किसमें एडजस्ट करोगे वो आपके ऊपर है, बाकी ये में भी ऐसे मिल जाता है। ये ब्रिज मोड पैरेलल और स्टेरियो के लिए। और ये हर्ट्ज लो कट का 30 हर्ट्ज से भी ये नीचे जितना भी है उसका। और इनपुट ग्राउंड और उसके लिए ग्राउंड ऑफ ऑन है। और बाकी तो बनाना थर्मल क्वालिटी ठीक ठाक है, ठीक ठाक मैं अच्छा ही बोलूँगा उसको, ठीक ही लगा। और ये आउटपुट थर्मल के लिए। और दोस्तों ये रहा, साइड भी इसका क्वालिटी में जो बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था कि इतना सस्ते में इतना अच्छा क्वालिटी मिलेगा। थैंक यू SLV। ये मैंने परचेस किया था 2 महीना पहले परचेस किया था मैंने, और आने के बाद एक ही बार खोल के देखा कहीं कोरियर के दौरान टूट फूट नहीं है, बस उसको खोल के दे चेक किया फिर रख दिया, मैंने टेस्ट भी नहीं किया। इस बार मैंने सोचा रिव्यू के साथ साथ टेस्ट भी बना दूं। ऊपर दे रखा है SLV का ये दे रखा है। दोस्तों अभी स्पेसिफिकेशन में आते हैं। ये एम्पली 3000 वाट का एम्पली है और ये एच क्लास का है। और 8 ओम्स में 850 वाट, 4 ओम्स में 1275 वाट, 2 ओम्स में है 1700 वाट, ब्रिज मोड 8 ओम्स में देता है 2550 वाट, ब्रिज मोड 4 ओम्स में देता है 3400 वाट, और इसका डंपिंग 1000 है। सॉरी दोस्तों, बीच में फ़ोन आ गया था तो फ़ोन इसको वीडियो को कट करना पड़ा क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ इसलिए। अब ये दोस्तों अभी हम देख सकते हैं गेन को करेंगे 40% और HF को करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी को करेंगे 50%
और बेस को भी करेंगे 50%, और बाकी तो ऐसा ही है। और वॉल्यूम आज थोड़ा कंट्रोल करूँगा क्योंकि दूसरा नया एम्पली है, तो मुझे पता नहीं इसका क्या कमी है, क्या खासियत है, इस टेस्ट पे पता चलेगा। अभी मैं इसको स्टैंड पे लगाता हूँ, ऊपर को स्टैंड पे लगा देता हूँ एक मिनट, और गाना भी बजाएंगे और दिखाएंगे भी आप लोगों को। अरे खुल जाओ महाराज, यार सस्ते का माल ऐसा ही होता है। दिख रहा है, ये मैंने बजा दिया, यहाँ से कर दिया फुल साउंड, फुल साउंड नहीं एक दो पॉइंट कम करूँगा, और ये लाइट भी अभी जाना था।